देखिए, अब तक हम लोग ज़ीरो ऑयल बनाने की बात बहुत बार कर चुके हैं, आज प्रैक्टिकल का बात है। आज हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ज़ीरो ऑयल का खाना कैसे बन सकता है। तो हम लोग पहला बनाते हैं एक मिक्स वेजिटेबल, और मैं और सुषमा जी हमारे डाइटिशियन ये दोनों बना के दिखाएंगे आपको किस तरह से ज़ीरो ऑयल का मसालेदार सब्जी बन सकता है। तो चलिए शुरुआत, पहले हम ये दिखाना चाहते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ करेंगे। तो देखिए, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही मसाला है। देखिए, ये नमक है, ये मिर्ची है, और ये हल्दी है, और इधर ये गरम मसाले हैं, ये गरम मसाले साबुत हैं, ये जीरा है, ये धनिया पाउडर है, और ये तेज पत्ता है। ये आपके सबके घर पे किचन में मिलेगा। कोई ने मेरे को पूछा, सर आप जो मसाले यूज़ करते हैं कहीं से इंपोर्ट करते हैं कि? मैं बोला नहीं, सबके घर पे सेम मसाले मिलेंगे। अच्छा, आप देखते हैं और क्या क्या सामान होगा इसमें। अदरक और गार्लिक का पेस्ट है, इसमें टमाटर प्यूरी है, इसमें टमाटर कटा हुआ है, इसमें प्याज का पेस्ट किया हुआ है, प्याज कटे हुए हैं, और ये हरी मिर्च है, ये करी पत्ता है, और ये धनिया पत्ता है। ये मेरे ख्याल से सबके घर पे होगा। अब एक बार नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ये बनाएंगे कौन सी वेजिटेबल। हम मिक्स वेजिटेबल बना लेते हैं। ये देखिए मिक्स वेजिटेबल है, इसमें सारी सब्जियां यहाँ रखी हुई है, और सबको हमने बॉयल कर लिया है इसलिए कि टाइम कम लगे। आप घर पे बॉयल नहीं करेंगे, आप इसको कच्चा ही यूज़ करेंगे। तो चलिए, और इधर नॉन स्टिक पैन, देखिए हार्ट के लिए जब भी हम बनाने जाते हैं बिना तेल का तो उसमें चिपकने के थोड़े चांसेस रहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा नॉन स्टिक पैन यूज़ करें। अगर कोई को लगता है नॉन स्टिक नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कोई भी मोटी परत वाली कढ़ाई, एलुमिनियम की या लोहे की कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। और ये सब के साथ हमारी जो तेल का सब्स्टिट्यूट है वो है पानी। तो पानी का जग हमें दिखा दें, ये पानी है, ये पानी हम लोग यूज़ करेंगे मसाले को भूनने के लिए। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, सर पानी क्यों, कोई ऑयल यूज़ नहीं करते हैं? मैं बोला कोई यूज़ नहीं करते, बोलते फिर भी कुछ ऑयल। तो मैंने पानी का नाम बदल के सावल ऑयल रख दिया और आपके घर पर फ्री सप्लाई करवा दिया है। तो अब से किससे खाना बनेगा? सावल ऑयल से। तो पानी का दूसरा नाम है सावल ऑयल। चलिए अब एक बार शुरुआत करते हैं। पहला काम, तो ये जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग जीरा डालते हैं। तो पहला, आप अपने घर पे क्या करते हैं, पढ़े कढ़ाई होते ही इसमें आप तेल डालते हैं फिर उसमें जीरा डालते हैं। हम लोग तेल नहीं डालें पर जीरा इसमें डाल दिए हैं। और जीरा डालने के बाद इसमें तेज पत्ता, करी पत्ता वगैरह डाल सकते हैं। ये करी पत्ता डाल दिया गया, ये तेज पत्ता ये डाल सकते हैं आप। अच्छा, अब इसको ड्राई भूनना है। देखिए एक बार याद रखिएगा, अभी तक जो हम लोग भून रहे थे उसमें हम लोग ड्राई नहीं भूनते थे, आगे तेल डाल के फिर भूनते थे, पर अब हम लोग को ड्राई भूनना है। किस तरह से ड्राई भूनना है वो आप देख लें। ये देखिए, इसमें ये ड्राई भूनते रह रहे हैं हम लोग। अच्छा, कैसे पता चलेगा ये भून गया कि नहीं भून गया? ये जो जीरा है ये ब्राउन होता जाएगा और क्रैकल करेगा, ये लगेगा ये कड़क रहा है, तब तक इसको भूनते जाएं। और जब ये भून जाए, जब आपको लगता है कि भून जाए, तो इसमें हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है, वो है प्याज। ये प्याज की प्यूरी डाला गया है, और प्याज कटा हुआ भी डाल सकते हैं, दोनों ही आप डाल सकते हैं। अब देखिए, ये प्याज के साथ अब इसको भूनना है। अच्छा, प्याज में जब तक पानी रहेगी तब तक तो ये भूनेगा नहीं, तब तक ये भून चलता जाएगा। और अब देखिए, इसको हम भूनते जा रहे हैं। भूनने में ज़रूर थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप तेल में जब मसाले के साथ, वो तेल के संग जब प्याज डालते हैं बहुत जल्दी भूनता है, इसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगी। थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहें, इनको भूनना है, प्याज को पूरा भूनना है। याद रखिएगा, प्याज अगर कच्चा रहेगा तो उसका कभी स्वाद अच्छा नहीं आएगा, तो प्याज को भूनते जाना पड़ेगा आपको। अब देखिए, इसका प्याज का करीब करीब सब पानी ख़त्म हो, तो एकदम पानी ख़त्म हो जाए तब थोड़ा सा आपको इसमें से जो हम लोग बोलते हैं सावल ऑयल या पानी का ऐड करना होगा। ये हमारा तेल है, जब भी आपको लगे ये चिपकने लगा है तो थोड़ा सा ये पानी लेके इसमें जहाँ चिपक रहा वहाँ पे डाल दीजिए, तो चिपकना बंद हो जाएगा। यही रूल है कि भाई चिपकना नहीं चाहिए, पर प्याज भूनते रहना चाहिए। प्याज में जब तक पानी रहेगा वो चिपकेगा नहीं, जब आपको लगे कि चिपकने लगे, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी देके ठंडा कर दें। अब देखिए, प्याज करीब करीब इसका पानी ख़त्म हो गया, प्याज को भूनते जाएं, हिलाते जाएं प्याज को,
और जब ये हिल जाए, जब आपको लगे कि अब प्याज आधा भून गया है, अब इसमें सारे मसाले एक एक करके ऐड होंगी। और जहाँ पे आपको लगे ये चिपकने की चांसेस हैं, वहाँ पे आप इसमें थोड़ा सारा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग सावल ऑयल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है धनिया पाउडर। देखिए, अब ये धनिया पाउडर डालना है अपने को। ये धनिया का पाउडर लिया और इसमें धनिया भी डालना है, इसमें जितना आपके टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और अब देखिए, इसमें करीब करीब सारे मसाले ऐड हो गए। नमक हो गया, मिर्ची हो गया, हल्दी हो गई, धनिया हो गई, जीरा हो गया। अब इसको हम लोग को धीरे धीरे भूनते रहना होगा। और जब आपको लगे थोड़ी बहुत चिपकने लगे, तो थोड़ा सारा पानी डाल दें। और ये मसाले को बस एक ही याद रखिए, जलने भी नहीं दिया जाए और भूनते भी रहना होगा, दोनों ही काम चलता जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक बार आप ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आगे आपको हर वक्त समझ आ जाएगी। और लेडीज़ लोग तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कैसे बनना है। अभी तक हमने सारे मसाले डाले हैं, सिर्फ तेल नहीं डाला है। और जब आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी चिपक रही है, तो थोड़ा सारा पानी डाल के उसको तैयार कर लें, फिर से इसको भूनना चालू कर दें। मसाले भूनते रहने चाहिए, जब तक ये नहीं भुनेगा, जब तक इसको आप यूज़ करेंगे तो कच्चा स्वाद आएगा, वो जो भुना हुआ स्वाद होता है वो नहीं मिलेगा। मुझे पूरा पूरा मसाले भुने हुए चाहिए, प्याज भुने हुए चाहिए, अदरक लहसुन भुने हुए चाहिए, सारा भुना हुआ होना चाहिए। और जब आपको लगे कि मसाला करीब करीब भुन गया है, तब इसमें आपको डालना है टमाटर। टमाटर कटा हुआ भी डल सकता है, टमाटर का प्यूरी भी डल सकता है, मैंने दोनों ही डाल दिया है। तो इसमें आपकी आइदर ऑफ देम आप डाल सकते हैं। अब इसको पूरा को पूरे को भूनना है। अब देखिए, टमाटर में पानी रहेगा, उस पानी को पूरा सुखाना पड़ेगा। जब तक इसको भूनते जाइए, टमाटर है जब तक उसमें पानी है, जब तक ये चिपकेगा नहीं, तो ये इस पानी को इस्तेमाल करना, टमाटर को धीरे धीरे गलाना है। पर अभी तक आप देखिए, इसमें हमने एक बूंद भी तेल यूज़ नहीं किया, तेल यूज़ ही नहीं करना। मैंने देखा लेडीज़ लोग को बोलो तो बोलती है थोड़ा सा तेल डालूंगी, और थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। मैं बोलता एक भी बूंद नहीं डालना, क्योंकि तेल का कोई स्वाद ही नहीं है। मसालों का स्वाद है, मसाले को भून लो, पर तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वाद सेम टू सेम आएगा। तो देखिए, ये मसाला करीब करीब हमारा भून चुका है। अब इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें पानी डालना है। अब देखिए, ये मसाले को हम लोग, अब मसाला भुना हुआ है, अब इसमें खाली हम लोग लिक्विड डाल के इसकी ग्रेवी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप बोलेंगे सर, ऐसी ग्रेवी तो हम लोग तेल के साथ भी नहीं बना पाते हैं। तो ये देखिए, आपकी अब मसाला करीब करीब भुन गया है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे मसाला कैसे, देखिए मसाला किस तरह से ये उबल रहा है। और इसमें आपको लगेगा कि ये घी छोड़ रहा है, दिख रहा है आपको, तेल छोड़ रहा है लग रहा है इसमें। तो ये समझ लीजिए, ये मसाला अभी भून रहा है, और भूनते भूनते करीब करीब हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच गए मसाले के। ये देखिए, अब मसाला कितना बढ़िया बन गया है। ये मसाले में आप देख सकते हैं, पूरा लग रहा है कोई तेल चमक रहा है, और देखने में वही का वही जो आप घी के साथ, तेल के साथ बनाते हैं, उसमें एक भी बूंद तेल या घी नहीं है, स्वाद सेम टू सेम होगा। अब इसमें हम लोग सब्जी डालना चाहते हैं। ये सब्जी आप उबला हुआ भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं। अब इसमें देखिए सब्जी डाल रहे हैं हम लोग, मिक्स वेजिटेबल। और अब इस सब्जी को आप इसमें, अगर आपकी सब्जी उबली भी है तो सब्जी तैयार हो जाएगी, और अगर सब्जी कच्चा है तो इसको कुकर में डाल के एक सीटी दिलवा सकते हैं, या तो इसमें पानी ज़्यादा सा डाल के ऊपर से ढक के इसको सिझा सकते हैं। और अब देखिए, ये मिक्स वेजिटेबल करीब करीब बन चुका है, थोड़ा अच्छे से हिला लेंगे इसको। और बहुत, आप अगर देखेंगे इसकी कलर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो कलर हमारे घी के तरह ही बन गया है। और अगर स्वाद देख के देखेंगे आप बोलेंगे सर इसमें कोई कमी है ही नहीं। तो ये देखिए, ये सब्जी बन चुकी है। तो अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको सजाने के लिए इस तरह के डाल सकते हैं। अगर आपको हरी मिर्च डालनी है तो हरी मिर्च ऊपर से भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको एक गरम मसाला वाला लास्ट स्टेज है, वो आप देख लें आपको गरम मसाला यूज़ करना है कि नहीं, कितना सा यूज़ करना है। ये इसमें गरम मसाला डाल दिया हमने, और अब ये सब्जी करीब करीब तैयार है। आप इसमें दही डाल के थोड़ा स्वाद चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। और ये वेजिटेबल सेम टू सेम बन गया है, स्वाद में सेम, देखने में सेम, और कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक कमी है, वो है तेल, और तेल हार्ट के लिए ट्राइग्लिसराइड है, और ये ट्राइग्लिसराइड जाके जमने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए, आपके किचन में
जब भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो एग्जॉस्ट फैन में जो जमती है ना वही तेल जमती है, और वही हस्बैंड के हार्ट में जम चुका है, वही हार्ट के पेशेंट के हार्ट की आर्टरीज के अंदर जमते जा रही है। तो तेल डालने का कोई मतलब नहीं है, बिना तेल के खाना बनाना सीख लें, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और ऐसे वेजिटेबल आप हर तरह की बना सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल हो, दाल हो, कोई भी तरह की वेजिटेबल इस तरह से बन सकता है। अगर आपको लगता है कि कभी भिंडी बनाना है तो भिंडी का थोड़ा सा अलग है, आप ग्रेवी बना लीजिए, भिंडी को काट काट के उसके अंदर पहले मसाले डाल दीजिए, भरमा हो गया, अब इसमें इस सॉस पैन में थोड़ा सा पतला पानी लेके सारे भिंडी को सजा दीजिए और ऊपर से ढक के इसको स्टीम कर लीजिए,